हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये ऑरेंज हिबिस्कस का प्लांट लेके आई हूँ, जिसका फ्लावर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसका कलर भी बहुत ही सुंदर कलर आता है इसका। तो हिबिस्कस में जो है काफ़ी कलर आपको मिल जाते हैं। डबल पेटल, सिंगल पेटल के प्लांट्स आजकल बहुत मिल रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये मेरा जो हिबिस्कस का प्लांट है वो डबल पेटल वाला है। इस पर डबल पेटल का फ्लावर आता है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो बर्ड्स है वो भी देख सकते हैं, कितनी ही बड़ी बर्ड्स है। ये प्लांट, ये फ्लावर अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, अभी ये और बड़ा हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से खिल जाएगा तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको क्या केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको केयर में सबसे पहले इसकी सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि इसको आप फुल सनलाइट में अगर रखते हैं तो इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में इस ये फ्लावरिंग देता है। जो हाइब्रिड वाले जितने भी हिबिस्कस के प्लांट होते हैं वो सर्दियों में फ्लावरिंग देते हैं। तो सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके लिए आपको इसको ना फुल सनलाइट में रखना होता है। इसको आप जितनी अच्छी सनलाइट देंगे इसका जो फ्लावर है उतना ही ज़्यादा खिल के आता है। तो और इसके लिए फर्टिलाइज़र में बता दूँ, इसको पोटैश युक्त तो जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं आप इसको दे सकते हैं। और जिनमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो वाले भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो ये दो तरह के फर्टिलाइज़र आप अगर इसमें देंगे तो आपका जो प्लांट है वो फूल भी बहुत अच्छे देगा और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रीन कलर की होंगी। तो जो प्लांट, फिर पूरा प्लांट जो होता है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, रखना है हमें इसमें, कि हमें पोटैश इसमें ज़्यादा होती है, वही फर्टिलाइज़र हमें इसमें देने होते हैं। तो और सनलाइट का भी हो गया, और जो वाटरिंग करनी है, अगर आपने इसको पॉट में लगा रखा है तो उसमें इतनी वाटरिंग करें जिससे कि इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। मतलब हल्का सा वाटर आप डेली बेसिस पर अगर वाटर करते हैं, डालते हैं प्लांट पॉट में अपने में, तो फिर आपको इसमें हल्का सा वाटर देना है जिससे कि आपका जो प्लांट की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली ना हो। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होने से ये प्लांट जो है अपनी ये कलियाँ को झड़ा देता है और फ्लावर, कलियाँ मतलब ये बर्ड्स तो बनती हैं, ये कलियाँ बनेंगी बट ये फ्लावर इस तरह से खिलेगा नहीं और ये गिर जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और अगर आपने इसमें, अगर आपके यहाँ लीव्स येलो हो रहे हैं तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, कि या तो लीव्स जब येलो होते हैं तो या तो आपके प्लांट्स में वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आप वाटर बहुत कम डाल रहे हैं। तो इसकी जो पानी है हमें सही मात्रा में ही डालना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डालें और ना बहुत ही ज़्यादा कम डालें कि जो पत्तियां हैं वो ख़राब होके येलो होके गिर जाए। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, लेकिन अगर हम इनका इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं और काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं। मैंने इस प्लांट को पिछले साल लगाया था और आप देख सकते हैं ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, और क्योंकि हाइब्रिड प्लांट है तो ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ेगा। और ये मैंने जो है पॉट में ना लगा के ज़मीन में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। और ये मैं जहाँ से लेके आई थी उन्होंने भी इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ था। अब इसकी कटिंग मैं थोड़ा सा, जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो इसकी कटिंग करके आपको बताऊँगी कि इसकी कटिंग को आप किस तरह से लगा सकते हैं और कैसी स्टेम आपको इसकी चाहिए होगी और कटिंग के सक्सेस रहने के क्या चांस बनेंगे या कैसे हमें कटिंग में सक्सेस मिल सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब ये प्लांट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूँगी। अब हमें बात करनी होती है कि जो फ्लावर होता है या पूरा नहीं खिलता है, ऐसे ही गिर जाता है, तो इसके लिए भी आपने उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र करना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ कह रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा ये फ्लावर जो है वो पूरी तरह से खिला नहीं है, तो मेरा ये है फ्लावर जैसे ही इसको धूप थोड़ी सी और मिलेगी ना तो ये पूरा खिल जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर ना बहुत छोटा सा रह जाता है, खिलता भी नहीं है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं कर रहे हैं अच्छे से, उसको अच्छे से
फीड नहीं दे पा रहे हैं, तो बिना फीड के जो होता है प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि जैसे जब हम बिना खाना खाए अच्छे से सेहत, अच्छी सेहत नहीं हो सकती, तो हमारे प्लांट की अच्छी सेहत कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑरेंज हिबिस्कस के ऊपर। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, बहुत ही सिंपल चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत ही ये रहता है कि बहुत ज़्यादा केयर के लिए, बहुत ज़्यादा बताने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं बहुत ही बेसिक चीज़ आपके लिए वीडियो में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फ्रेंड्स, बाय बाय।